डॉक्टर आमिर लियाकत की अचानक मौत की वजह क्या थी, मौत तबई थी या फिर खुदकुशी या फिर उन्हें कत्ल किया गया, वजूहात जानने के लिए सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। अदालती अहकाम पर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई 23 जून को होगी। महकमा सेहत सिंध ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड की सरबराह पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया हैं। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटने वाले की अचानक मौत की वजह क्या थी? क्या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत तबई थी या फिर आमिर लियाकत हुसैन ने खुदकुशी की? क्या आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल किया गया? वजूहात जानने के लिए सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून को होगी। अदालती अहकामात पर सिंध हुकूमत ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड की सरबराही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद करेंगी। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून को कराची में अपनी रिहायशगाह पर मुर्दा पाए गए थे। 10 जून को इन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया था। आमिर लियाकत की साबिक अहलिया बुशरा इकबाल और मरहूम के बच्चों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। तदफीन के चंद रोज बाद कराची की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया गया था कि आमिर लियाकत को जायदाद के लिए मुमकिन तौर पर कत्ल किया गया, लिहाजा पोस्टमार्टम की इजाज़त दी जाए। 18 जून को कराची की मातहत अदालत ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई 23 जून को होगी, पोस्टमार्टम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।